तो दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं बाहर और काफ़ी ज़्यादा हरियाली हो रखी है यहाँ पे, और हम इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे को कंपेयर करने के लिए आए हैं। जहाँ पे मेरे पास एक है रियलमी का 11 प्रो स्मार्टफोन, और साथ में ही है वन प्लस का आपका नोट CE 3 लाइट। इन दोनों की हम आज कैमरे की कंपेयर करने वाले हैं कि इनमें हायर मेगापिक्सल का कैमरा कैसा प्रिपेयर करके दिखाता है हमें फ़ोटो और वीडियो क्वालिटी को, साथ में इसमें पोर्ट्रेट मोड कैसा नज़र आता है, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। अभी हम बात करते हैं इनके हायर मेगापिक्सल कैमरे क्वालिटी को लेके। एक में आपको 100 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, साथ में दूसरे वाले में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। तो फटाफट से हम इसके कैमरे की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। 100 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल कैमरे में तो आपको जो एमुलेट स्क्रीन दी गई है साथ में ही इनमें, तो इनमें देख सकते हो जो रियलमी वाला जो स्मार्टफोन है उसमें काफ़ी एक अच्छे शार्प कलर देखने को मिलते हैं। कुछ सैंपल्स भी मैं इस वीडियो में डाल देता हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, कि इसकी जो मेन जो कैमरा है 100 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल कैमरे की क्वालिटी जो है वो आपको कैसी देखने को मिलती है। चलो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी को लेके, कि इन दोनों ही स्मार्टफोन की आपको वीडियो क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की आपको वीडियो स्टार्ट करता हूं, और आप देख सकते हैं मैं सैंपल्स भी लगा रहा हूं कि इनमें दोनों में वीडियो क्वालिटी आपको देखने को कैसी मिलती है। रियलमी वाले में मेरे को काफ़ी बेटर परफॉर्म करके दिखाते हैं, यहीं पे जो वन प्लस वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा डार्क सा कलर कर देता है, काफ़ी ज़्यादा नॉइस इसमें क्रिएट कर देता है दोस्तों। अभी हम फटाफट से बात कर लेते हैं इसकी पोर्ट्रेट मोड की क्वालिटी को लेकर, कि दोनों स्मार्टफोन में आपको पोर्ट्रेट की क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है, तो वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं कुछ सैंपल्स भी डाल रहा हूँ कि इसमें आपको पोर्ट्रेट के दोनों स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट की क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिल रही है। मैंने रियलमी 11 प्रो दोनों प्लस की दोनों की ही कैमरे कंपेरिजन अनबॉक्सिंग या इन दोनों ही स्मार्टफोन की हमने कंपेयर वीडियो भी बना रखी है, वो सारे लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ इस वीडियो के, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन के OIS की भी बात कर लेते हैं कि आपको वीडियो की क्वालिटी OIS में कैसी देखने को मिलती है, तो वो भी सैंपल्स आप आगे देख सकते हैं। करेक्शन की बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन में, कि आपको कलर कैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि 108 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है ना वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा है, बजाय आपका 100 मेगापिक्सल कैमरे को लेके। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये पास से कोई फोटो क्लिक करता हूँ, तो इसमें जो अगर मैं बताऊँ तो आपको जो 100 मेगापिक्सल वाला कैमरा उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आपको फोटो क्वालिटी देखने को मिलती है। कुछ सैंपल्स भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसी आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है। अभी हम इन दोनों स्मार्टफोन की जूम की टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि इनकी जूम की क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे कुछ आपको पुराने ज़माने का कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसकी भी अगर मैं जूम की बात करता हूँ तो सिंपल अगर मैं क्लिक करता हूँ और 2x 3x पे भी मैं अगर जूम को लेके जा रहा हूँ ना, तो आप देख सकते हैं इनमें कुछ सैंपल्स भी मैं इनमें डाल रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं कि इनमें जूम की क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिलती है। जूम में थोड़ा सा नॉइस आपको देखने को मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन में, इतनी ज़्यादा सार पे कोई भी पिक्चर आपको देखने को नहीं मिल रही है। और जो रियलमी वाला स्मार्टफोन है उसमें आप 20x तक जूम जा सकते हैं, और यहीं पर जो आपका वन प्लस वाला स्मार्टफोन 6x तक ही जूम जाता है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील हुआ है आपको वन प्लस वाला स्मार्टफोन लेके। बाकी अगर मैं कैमरे की बात कर रहा हूँ इन जूम क्वालिटी में, तो मेरे को आपका रियलमी वाला स्मार्टफोन ही काफ़ी एक बेटर ऑप्शन निकल के आता है बजाय आपका वन प्लस वाला। तो मैं डेफिनेटली आपको रियलमी वाला प्रीफर करने वाला हूँ अगर जूम क्वालिटी या नॉर्मल कैमरे की क्वालिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो। चलो अब हम सेल्फी कैमरे की बात कर लेते हैं कि सेल्फी कैमरा इन दोनों में कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो हम उनकी भी बात कर लेते हैं कि इनमें आपको कैसा देखने को मिलता है। तो सेल्फी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ सैंपल्स भी मैं डाल रहा हूँ, उसमें भी मेरे को शार्प कलर या अगर मैं बात करता हूँ सेल्फी की तो काफ़ी बेस्ट मेरे को जो सेल्फी कैमरा भी लगा है उसका भी रियलमी वाला स्मार्टफोन लगा है। हो सकता है कि इसमें एमुलेट डिस्प्ले दी गई है इस वजह से आपको बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिल रही हो, बट मैंने इसमें PC में भी कन्वर्ट करके देखा है, तो मेरे को दोनों ही स्मार्टफोन्स में रियलमी वाले स्मार्टफोन्स की सेल्फी कैमरा रियर कैमरा काफ़ी एक बेटर ऑप्शन निकल के आए हैं।